15 अगस्त नाम सुनते ही हम सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और आंखों में घूमने लगता है, दिखाई देने लगता है 15 अगस्त के जश्न का वो मंजर जब लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और हम सब गर्व से झूम उठते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से तो नहीं मिल गई थी। इसके लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिए, कितने लोगों ने अंग्रेजों की यातनाएं सही, और इस काम में हमारे देश की नारियां भी पीछे नहीं रहीं। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू जैसी नारियों के बारे में तो हम सब जानते हैं, वहीं पूर्वोत्तर राज्य से भी बहुत सी ऐसी नारियां थीं जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ऐसी ही एक नारी स्वतंत्रता सेनानी थी रानी गिडिनलू जिलियांग। ये उस वक्त की बात है जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के छेड़े हुए असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। नागालैंड भी इससे अछूता नहीं था। आप जानते हैं नागालैंड का है? उत्तर। बहुत अच्छे। नागालैंड में गुरिल्ला छापा मारो का एक दल था जो युद्ध के जरिए अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था। जानते हैं गुरिल्ला युद्ध को और क्या कहते हैं? छापा मार। बहुत अच्छे। इस छापा मार युद्ध में छुप कर हमला किया जाता है। इन छापामारों का नेता था जदोनांग। अंग्रेजों की छावनी में इन छापामारों की एक दहशत फैली हुई थी। अंग्रेज खुद इनसे बहुत परेशान थे। सर, ओके, यू मे लीव नाउ। सर, इन नागाओं ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। इन्होंने हमारी सेना भी आधी कर दी है। हाँ, हमें इनके खिलाफ जल्द से जल्द एक सख्त कदम उठाना ही होगा। इसके लिए हमें कुछ सोचना होगा। सोचो। हाँ, हम जादूनांग को पकड़ेंगे। उससे क्या होगा? जादूनांग ही इनकी सेना का नायक है। अगर हम जादूनांग को पकड़ेंगे तो इनकी सेना का सेना की ताकत खत्म हो जाएगी। हाँ, हम जादूनांग को जरूर पकड़ेंगे। डन डन, हमला। और ये हमारे और ये छाप हमारे युद्ध करके हमारी सारी छावनी को तहस नहस कर देते हैं। ओह, आई सी। ओह, दिस नागास। बड़ी दिलेरी के साथ जदोनांग ने नागाओं का नेतृत्व किया, लेकिन 1931 में वो पकड़ा गया। हु इज दिस यंग मैन? ये जदोनांग है, नागाओं का नेता। इसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ओह, कैसी सजा? फांसी की सजा। फांसी? ओह माय माय, मुझे फांसी देने से कुछ नहीं होगा। आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में आजादी की आग भड़क रही है। जाओ इसे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जदुनांग की मृत्यु से नागाओं से उनका सरदार छीन गया, उनका नेता छीन लिया गया। स्वतंत्रता के इस संग्राम में वो बहुत बेसहारा महसूस करने लगे। वो बहुत दुखी और निराश थे, पर उनका ये दुख ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि अब जदोनांग की जगह ली थी उसकी छोटी बहन किडिनलू जिलियांग ने। क्या हुआ? जदोनांग को फांसी हो गई। तो क्या होता है? वो तो शहीद हुआ है। अब हमारा नेता तो कौन बनेगा? और अब हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम तो अकेले हो गए। अब मैं इस जंग को जारी रखूंगी। गिडिनलू जिलियांग जिंदाबाद। 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 जब रानी गिडिनलू जिलियांग ने नगा स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व संभाला, तब उनकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी, लेकिन उनमें नेतृत्व की विलक्षण प्रतिभा थी। उन्होंने तो जैसे इन क्रांतिकारियों में साहस का नया मंत्र ही फूंक दिया। उनके नेतृत्व में इन क्रांतिकारियों की संख्या बढ़कर 4,000 हो गई थी। ये सभी योद्धा गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। हमला!
भागो। मेरे जादूनाम अब गिरेंगे लुजिलियां। हमने तो सोचा था जदुनान के मरने के बाद जो लड़ाई समाप्त हो जाएगी, पर उसकी बहन गिरिंगलु जिलियान ने तो अपनी सेना की ताकत दुगनी कर दी है। हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। पहले हमें इसके बारे में कुछ सोचना होगा। You're right, dear. गिरिंगलु जिलियान जिंदाबाद, गिरिंगलु जिलियान जिंदाबाद, गिरिंगलु जिलियान जिंदाबाद, गिरिंगलु जिलियान जिंदाबाद। ओह, तो ये है नागाओं की रानी गिरिंगलु जिलियान। इन दोनों को भी इनके भाई की तरफ फांसी की सजा दे दी जाए। नहीं, इनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। इन्होंने हमारे सैनिकों को तड़पा तड़पा के मारा है, इसलिए इनको भी तड़पा तड़पा के मारा जाए। इन दोनों के कपड़े छीन लिए जाएं। इतनी सर्दी में? यस, इन दोनों को पूरी उम्र के लिए कालकोठरी में बंद कर दिया जाए। जाओ। क्यूसिनांग, डर लग रहा है? नहीं। जाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सन 1932 से 47 तक गिरिंगलु जेल में रही। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का सुनहरा समय जेल की छोटी गंदी बदबूदार कोठरियों में गुजारा। देश की महिला क्रांतिकारियों में सबसे अधिक समय तक जेल में रहने वाली रानी गिरिंगलु ही थी। सन 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असम का दौरा किया। शिलांग जेल में वो गिरिंगलु से मिलने भी गए। बाद में एक पत्रकार परिषद में उन्होंने गिरिंगलु का उल्लेख नगाओं की रानी के रूप में किया। उसके बाद गिरिंगलु के नाम के साथ रानी की उपाधि जुड़ गई और वो रानी गिरिंगलु जिलियांग के रूप में जाने जाने लगी। श्रीमती शांति अग्रवाल बाल लेखन में एक जाना माना नाम। बच्चों के लिए इनकी अब तक 15-16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही इन्होंने बच्चों की पत्रिकाओं में भी बहुत कुछ लिखा है और बड़े बड़े समाचार पत्रों में भी बच्चों के लिए इनके लेख, जीवनियां आदि प्रकाशित होते रहे हैं। रानी गिरिंगलु जिलियांग की कहानी श्रीमती शांति अग्रवाल ने ही लिखी है। हमने इनसे मुलाकात की, आइए मिलते हैं। शांति जी, रानी गिरिंगलु की जीवनी हमने पढ़ी जो आपने लिखी और बच्चों को भी सुनवाई, तो रानी गिरिंगलु से आप किस तरह से प्रभावित हुई, आपने कैसे सोचा कि आप उनके बारे में लिखें? बात यह हुई कि उन्हें मैंने देखा तो कभी था नहीं, पर उस युग को देखा था, उस समय को जिया था। वो ऐसा समय था जब भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक स्वतंत्रता आंदोलन की लहर चल रही थी। गांधी जी के नेतृत्व में भारत के लोग अंग्रेजों को भारत से निकालकर देश को स्वतंत्र करना चाहते थे और अंग्रेज वो भारत से जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो देशभक्तों को के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उन पर लाठी डंडे बरसा रहे थे, गोलियां चला रहे थे और उनको पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर रहे थे। इस आंदोलन में केवल पुरुषों ने ही नहीं, स्त्रियों ने भी समान रूप से भाग लिया। वो स्त्रियां उस समय में जो कभी घर से नहीं निकलती थीं, स्त्रियां इतनी पर्दे में रहती थीं, वो स्त्रियां जो कभी घर से नहीं निकली सड़कों पर उतर आईं और उन्होंने भी पुरुषों की तरह अंग्रेजी सेना के लाठी डंडे खाए, गोलियां झेलीं और जेलों में गईं। तो जब मैं ये सुनती थी कि अंग्रेज देशभक्तों के ऊपर इस तरह की दमन नीति अपना रहे हैं, इस तरह से उनको मार पीट रहे हैं, उनको जेलों में बंद कर रहे हैं, तो मैं उनके प्रति कुछ अच्छी धारणा मेरी नहीं थी, मैं उनसे बहुत क्रोध करती थी। मेरे मन में उनके प्रति बड़ा क्रोध था, मैं उनसे बड़ी नाराज थी। तो मेरे मन में भी अक्सर ये भावना आती थी कि मैं भी इस आंदोलन में
शामिल हो जाऊं और सक्रिय रूप से इसमें भाग लूं, पर वो हो नहीं सका। ऐसे में जब मैंने ये सुना कि 17 वर्ष की गिडिंगडू जिजियांग अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि जैसे मेरा सपना उन्होंने साकार किया और इस तरह से मैं उनसे प्रभावित हुई। आज के संदर्भ में शांति जी, रानी गिडिंगडू के साहस और वीरता के बारे में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो अब बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मनुष्य नाम से नहीं काम से प्रतिष्ठा पाता है और बड़े बड़े काम करने के लिए बड़ी उम्र का होना आवश्यक नहीं है। न इस बात से ही कोई फर्क पड़ता है कि कोई लड़का है या लड़की, क्योंकि बड़े बड़े काम करने के लिए केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो लड़कियों और लड़कों में समान रूप से हो सकती है, और इसीलिए उनके उद्देश्य भी समान हो सकते हैं और उनकी उपलब्धियां भी समान हो सकती हैं। मेरे नाम लिंडा न्यूमाय है, मैं नागालैंड की रहने वाली हूँ। बच्चों, आज मैं रानी गिडिंगडू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमेशा बचपन से रानी गिडिंगडू के बारे में बहुत सुन के आ रहे हैं। वो बचपन से ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी। रानी गिडिंगडू बहुत चमत्कारी थी। जब वो 6-7 साल की थी तब चमत्कार करने लगा। उनकी दाहिने हाथ पे बड़ा सा तिल थे, वो तिल बहुत शक्ति थे, इसलिए वो तिल देख के ही अपना लोगों को गाइडेंस देती थी। वो तिल देखते ही कुछ आने वाले कल का बारे में भी बताती थी। उनका पसंद नापसंद का बारे में ज़रा बताना चाहते हैं। उसको सिर्फ नागा खाना पसंद करती थी और लकड़ी का थाली में ही खाना खाती थी। उनका बर्थ प्लेस है लंकाओ विलेज। अपना आखिरी समय आने के टाइम में भी उनको पता चला गया कि वो ज़्यादा रहने वाले नहीं है। मरने से पहले उनका गांव में ले गया थे और उनका लास्ट वर्ड हम अपना लोगों को दिया था कि अब सब भी एक होके रहना। Yeah!